तो मोटो जी पे भारत के लिए कई सारे लोग एक्साइटेड है और लोग खास तौर पे आज मोटीजीपी भारत को लेकर के यहाँ पे अहमदाबाद है, क्या कहेंगे आज कितना एक्साइटमेंट है आपको? सो एक्चुअली दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी टू हैव इन दिस वेरी बिग इवेंट एंड आई एम रियली मच मच एक्साइटेड क्योंकि बहुत सारे दोस्त भी है, मौसम भी इतना सुहाना है। ये क्या है कि ये इंडिया में मोटो जीपी आता है, ग्रैंड प्रिक्स आता है, तो एक बड़ी बात है और स्पेशली अहमदाबाद में जो ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए मैं मोटो जीपी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि भाई ये अहमदाबाद जो आपने चुना वो सही चुना। मोटो जीपी इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर और इंडिया में पहली बार हो रहा है मोटो जीपी, तो आप देख सकते हैं राइडिंग कल्चर कितना डेवलप हुआ है अहमदाबाद में इंडिया में। सो मोटो जीपी अगर इंडिया में आता है तो फैंस ऑलरेडी बहुत है यहाँ पे, KTM, हस्क्वेना, नंडू कड़ी दिया टॉप टीम्स विच पार्टिसिपेट इन मोटो जीपी। एक्साइटमेंट तो होता ही राइडर कहां से ये भी बता दीजिए आप। एक्चुअली बिलोंग करता हूं मोरबी से, राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अहमदाबाद। अहमदाबाद ओके। अच्छा कैसे पता चला मोटो जीपी भारत के बारे में? एक्चुअली हमारे पास तो पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है राइडिंग ग्रुप के बारे में, तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है। मोटर बाइकिंग का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये लोगों ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है अक्रॉस इंडिया, और उसमें अहमदाबाद उन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया कि अभी मेट्रो सिटी अहमदाबाद हो गया है, यहाँ पे भी बड़ी बड़ी शोरूम्स अभी खुल गए हैं स्पोर्ट्स बाइक्स के, तो उनको अच्छे उनके कस्टमर्स भी मिल जाएंगे और यहाँ की जो क्राउड है वो भी खूब एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है कि भाई स्टंट होने वाला है मोटो जीपी के, वो राइडर आने वाले हैं है ना, और उसकी वजह हमें उनके साथ लाइव देखने को मिलेगा, हम सिटी राइड करेंगे है ना, तो वो इवेंट सोच के ही मैं तो कल रात से एक्साइटेड हूँ। तो आपने देखा खासतौर पे कई सारे लोग हैं वो एक्साइटेड है आज के दिन के लिए, और मोटो जीपी भारत अहमदाबाद चैप्टर की ये इवेंट है खासतौर पे अहमदाबाद में हो रही है, और जिस तरीके से कई सारे राइडर्स एक्साइटेड है मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप, चीयर अप करते दिखते हैं।